अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब नाज़रीन। मैं आपकी होस्ट अकीला सकीब आपको मुनफरिद अंदाज़ व्लॉग में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है जी। आज बात करेंगे कद्दू से बनने वाली कढ़ी की। तो आपने देखा जैसे कि शुरू में मैंने दिखाया कि कद्दू आम पाई जाने वाली चीज़ है, जो कि कच्ची हो तो भी फ़ायदेमंद, पक जाए तो भी उसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो लेकिन आज मैं अपने प्यारे नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि वो कद्दू की कढ़ी कैसे बना सकते हैं। कढ़ी तो आपने वैसे बहुत किस्मों की सुनी होगी, लेकिन ये यूनिक सी बहुत प्यारी रेसिपी यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। और इसको तैयार करना भी बहुत आसान है। पहले आप कच्चे कद्दू को क्यूब्स में काट लें, और इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जी छिली के दाने, इनको भी मैंने कूट लिया है। ये बड़े बड़े लोग जानते हैं ये इनका क्या खास मकसद होता है। मैंने मसाला जात के अलावा बेसन को भून लिया, कच्चा प्याज मैंने हरी मिर्चों के साथ काट लिया, और इसको उबलती हुई लस्सी में शामिल कर लिया। चाहे आप लस्सी ले लें या चाहे आप दही की घर पे लस्सी बना लें, आपने इसमें कुछ ख़ास नहीं करना, बस सारी चीज़ें मिलाकर तो आपने इसको उबाल आने तक पकाना है। और इसमें मसाला जात, प्याज और हरी मिर्चें अभी पकेंगे, और इसके साथ मैं शामिल करती जाऊँगी जी इसमें कद्दू। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और लहसुन का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल इसमें दो बार होगा। एक बार लहसुन इसको पकाते हुए शामिल करेंगे, और आखिर में लहसुन हम इसको बघार लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी अब टाइम हुआ चाहता है कि इसमें कद्दू शामिल कर दें। इसमें कच्चा कटा हुआ कद्दू शामिल कर दिया मैंने, और इसको अब हमने हल्की आंच पे पकने देना है। लगभग दो घंटों के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई, और अभी यही वो टाइम है। नमक मिर्ची आप चेक कर लें, हसबे जायका डाल लें, अगर कम है तो आप बराबर कर लें। और इसमें अब भगार का टाइम आ चुका है। इसमें भगार भी मैं दो तीन स्टेप्स में लगाऊंगी। जैसे कि आपने देखा इसमें कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल पहले बिल्कुल नहीं हुआ था। पहले आप इसको दो तीन चमचे खूब तेल गरम करके, जिसको कड़कदार बोलते हैं, वो वाला आपने इसमें पहले बघार देना है। लेकिन अभी ज़ीरे मिर्चू और लहसुन का बघार आप स्टेप बाय स्टेप इसको बाद में दीजिए। इससे इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, बहुत ही प्यारा कलर हो जाएगा, और डेफिनेटली इसकी खुशबू भी बड़ी चेंज हो जाएगी। कटी हुई हरी मिर्चें वगैरह भी आप शामिल कर दें। ज़ीरा स्टेप टू में मैं इसको ज़ीरे का बघार दूँगी, और इसके अलावा इसमें मैं शामिल करती जाऊंगी जी थोड़ी सी मिर्चें। आप लाल मिर्चें डाल लें तो भी बड़ी प्यारी लगती हैं। साबुत जो मिर्चें होती हैं आपको पता है, वो तो सही किस्म का जिसको बोलते हैं शहनशाह, वो वाला बना देती हैं इसको बघार को। और एट द लास्ट मोमेंट आई विल ऐड गार्लिक। आपने गार्लिक का पेस्ट बना लेना है, लहसुन का पेस्ट बना लें, उसका बघार लगाएं अभी आप। और दिस वॉज द लास्ट थिंग दैट आई हैव टू डू। जी लीजिए, हमारी कद्दू वाली कढ़ी तैयार हो चुकी है। आप इसको बना के रख लें, आपको उसी टाइम भी अच्छी लगेगी, लेकिन जब फ्रिज में पड़ी हो तो नाश्ते के टाइम इसका तो बहुत ही पराठे के साथ लुत्फ दुबला हो जाता है। तो इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी बात आप अपने पास ना रखिएगा, यकीनन हक बनता है कि इसको मज़ीद आगे दूसरे लोगों में भी शेयर किया जाए। और आप मेरी वीडियोस पे आते हैं तो वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।